नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजीव बंसल, हांसी की आवाज़ चैनल से। बड़ा दुखी हृदय से मुझे कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नहीं रही। उनके निधन से पूरे देश के अंदर शोक की लहर तोड़ गई है। सुषमा स्वराज अपने आप में एक संस्था रही है। 1977 में अम्बाला शहर में जन्मी, 1977 में जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। अम्बाला में उन्होंने SD कॉलेज के अंदर अपनी शिक्षा ग्रहण की। पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत की स्टूडेंट रही। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में उन्होंने ला किया। सुषमा स्वराज हरियाणा में एजुकेशन मिनिस्टर रही, दिल्ली में मुख्यमंत्री रही और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रही केंद्र में। सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रही। जितनी अच्छी वे राजनीतिज्ञ थी, उतनी अच्छी वे इंसान थी। आज एक्रॉस द पार्टी लाइन सभी विपक्ष के नेता उन्हें याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। विदेश में जिनकी आवाज़ गूंजती थी, जब वो विदेशियों की आवाज़ को अपनी आवाज़ से दबाती थी तो एक दुर्गा का रूप ले लेती थी। वो एक सहज माँ थी, एक सहज बहन थी, एक सहज अपनी गृहिणी भी थी। सभी को अपना बना लेने की उनमें अक्षमता थी। बहुत विनम्र स्वभाव की, बहुत अच्छी स्पेल बाउंड ओरेटर भी रही। आज ऐसी व्यक्तित्व की धनी सुषमा स्वराज हमारे बीच नहीं रही। ये अपूर्णीय क्षति जिसकी कभी भी भरपाई नहीं हो सकती, वो चली गई खालिस्तान छोड़ के, जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूरा देश उमड़ रहा है। हांसी की आवाज़ चैनल हृदय की गहराइयों से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वे कभी मरेंगे नहीं, हमेशा अमर हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति तो कभी मरते नहीं हैं, अमर हो जाते हैं और अपने पांव के निशान छोड़ जाते हैं, जिन पर चलना हमारा कर्तव्य है, फॉलो करना हमारा कर्तव्य है। सुषमा स्वराज जी की अंतिम बात मैं बताता हूँ। सुषमा स्वराज जी हमेशा धारा 370 हटाने की पक्षधर रही। अपने ओजस्वी भाषणों के माध्यम से उन्होंने ना जाने कितनी बार पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर धारा 370 हटाने की मुहिम चलाई, अपने वक्तव्य दिया, प्रख्यात भाषण दिया और ऑरेटरी से सबको ये बताया कि धारा 370 एक बदनुमा दाग है जिसे हटाना जरूरी है। जैसे ही धारा 370 हटी तो सुषमा स्वराज जी ने अपने अंतिम सांस लेने से पहले एक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्रधानमंत्री जी मुझे आज इसी दिन का इंतजार था कि धारा 370 हट गई है। उसके बाद वो सदा सदा के लिए चिर निद्रा में सो गई। हांसी की आवाज़ चैनल से मैं राजीव बंसल उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार इस दुख की घड़ी में अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति दे। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मेरे साथ मेरे एडिटर पार्षद अजय सैनी जी बैठे हैं, वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। नमस्कार साथियों, मैं पार्षद अजय सैनी, चीफ एडिटर हांसी की आवाज़ से, मैं पूरे हल्का वासी की तरफ से हमारे पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके चले जाने से पूरे भारतवर्ष में शोक की लहर है और मैं पुनः एक बार फिर से उनको अपनी हांसी की आवाज़ टीम, परिवार और सभी हल्का वासियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। तुम अनपार वर्ष जियो, मैं तुम्हें गिनता रहूँगा। तुम दीप बनकर जियो, मैं तुम्हें पूछता रहूँगा। जीना एक कला है मेरे दोस्तों, मौत व्यवस्था। तुम सुषमा स्वराज बनकर जियो, मैं तुम्हें पूछता रहूँगा, पूछता रहूँगा, पूछता रहूँगा। नमस्कार।